दोस्तों हरिनाम सिंह सयाना चैनल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों आपको आज मैं इस चैनल के द्वारा एक ऐसा योग बताने जा रहा हूं जिससे आपकी काया पलट हो जाएगी, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, युवा हो जाएगा। और दोस्तों जो योग, जो काया पलट योग मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे, राजनीतिक नेता करते थे और बड़े बड़े उद्योगपति करते थे और हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार भी करते थे। अब थोड़ा वो दूसरा सिस्टम शुरू हो गया तो ये काया पलट योग जो है नहीं करते, विदेशों में चले जाते हैं और अपना ओवर हॉलिंग करा करा जाते हैं। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक काया पलट है जो हमारे आयुर्वेद में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। और इस योग से पूरे शरीर को फायदा होता है, शरीर के बाहरी हिस्से को फायदा होता है, शरीर के हर अंग को फायदा होता है। और जो इसमें केमिकल के द्वारा करते हैं काया पलट, वो तो सिर्फ स्किन का सुधार होता है, लेकिन जो मैं आपको योग बताने जा रहा हूँ इससे पूरे शरीर के हर अंग का सुधार होगा, हर अंग आपका सुंदर लगेगा। तो दोस्तों आप इसके पहले मैं योग बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारी हर बात पहुंचती रहे। दोस्तों यह काया कल प्रोग्राम यह है कि पूरे शरीर का ओवरहॉलिंग हो जाना, सुंदर हो जाना, और यह 45 दिन के करीब होता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत यह है कि जब हम खाना खाते हैं, जो पूरा हमारा भोजन सामग्री जो हम खाते हैं, तो इस प्रोग्राम को, इस कायाकल्प जो अपना योग है उसको करने के लिए 40 दिन लगता है। तो पहले दिन हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम 4 रोटी खाते हैं, तो पहले दिन दोस्तों हम 1 रोटी कम खाएंगे, 1 रोटी कम खाएंगे और उसकी जगह हम ड्राई फ्रूट खाएंगे। और ड्राई फ्रूट कम से कम 5 होने चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि 5 तत्व से बना शरीरा, तो आपके शरीर का निर्माण करने के लिए 5 तत्व होने चाहिए। तो कोई भी आप ड्राई फ्रूट लें, लेकिन 5 लें। दोस्तों हमने यहाँ पर 5 छुआरा लिए हैं, ये छुआरे हैं, 5 छुआरे लिए, 5 काजू ले लिए हमने और 5 अखरोट के दाने ले लिए और हमने कुछ टुकड़ा उन्हीं के बराबर की मात्रा में गरी लिया, कोपरा जिसे कहते हैं। और इसके बाद हमने 5 बादाम ले लिए। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है कि पहले दिन ये 5 बादाम, 5 काजू, 5 छुआरा, 5 अखरोट और नारियल को शाम को पानी में भिगो देना है, 1 गिलास में डालकर पानी में भिगो देना है और साफ करके, और सुबह आप इस पानी के में जो रखे हैं ड्राई फ्रूट, तो इसकी गुठली निकाल करके छुआरा की और नारियल को टुकड़े टुकड़े करके पानी में खूब बॉयल कर लें, पका लें। इसके बाद दोस्तों आपको 1 गिलास दूध लेना है और 1 गिलास दूध को डालकर उस ड्राई फ्रूट को खूब अच्छी तरह पका लें। अब इसके बाद दोस्तों आपने जो पहले दिन 1 रोटी कम खाई है, तो उसकी जगह आप ये 5 बादाम, 5 नारियल, 5 अखरोट और 5
काजू लिए, उसको हमने पकाकर और दूध डालकर भी पकाया, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम पहले दिन जो हम डेली चार रोटी खाते, तो पहले दिन हम एक रोटी कम खाएंगे या उसकी जगह ये खाएंगे, ये ढाई फुट खाएंगे एक दिन। अब दोस्तों, दूसरे दिन जब दूसरा दिन होता तो हमने दो रोटी कम की और दो रोटी की जगह हमने हमने 10 बादाम कर दिए और 10 अखरोट कर दिए। अब हमने वो मात्रा डबल कर दी, 10 बादाम कर दिए, 10 काजू कर दिए, 10 छुआरा कर दिए और अखरोट भी डबल कर दिए और नारियल भी डबल कर दिया। अब ये दोस्तों दूसरे दिन सेम पानी में भिगो कर रखे और सुबह खूब बॉयल किया, दूध डालकर बॉयल किया। इसके बाद जो दो रोटी हमने कम खाई है उसकी जगह हमको ये खाना है, ड्राई फूड खाना है जो हमने बनाया, बनाकर रेडी रखा है। अब दोस्तों तीसरे दिन आपने 3 रोटी कम खाई, तीसरे दिन 3 रोटी कम खाना है और आपको ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ा देना है 5-5 करके और दूध की मात्रा बढ़ा देना। आप तीसरे दिन 3 गिलास दूध होगा, दूसरे दिन 2 गिलास था, पहले दिन 1 गिलास था, तो इसकी भी मात्रा बढ़ गई। और चौथे दिन दोस्तों आपको सिर्फ 1 रोटी खाना है और आपको ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ा देना है, दूध की मात्रा बढ़ा देना है। और पांचवें दिन, जब पांचवा दिन शुरू होता है दोस्तों, तो आपको कुछ भी रोटी नहीं खाना है, आपको सिर्फ ड्राई फ्रूट के भरोसे रहना है, ड्राई फ्रूट को डालकर जो दूध में पकाया है उसके भरोसे रहना है। और जितनी आपको भूख लगती है दिन में उतना ही ड्राई फ्रूट डालें, दूध डालें। और कहने का हमारा मतलब है कि चौथे दिन से कम 20 काजू होने चाहिए, 20 बादाम होने चाहिए, 20 आपका ये अखरोट होना चाहिए और उतनी ही मात्रा में नारियल होना चाहिए और दूध भी कम से कम 1 लीटर होना चाहिए। और इसको डेली का डेली शाम को भिगो दें साफ करके और सुबह गुठली निकाल कर छुहारा के और नारियल को काट करके पकाएं, पहले पानी में पकाएं फिर दूध में पकाएं और दिन भर खाते रहें। अब दोस्तों आपका जितना भूख लगता है उतना ड्राई फ्रूट की मात्रा रखें, अगर आपकी खुराक ज़्यादा है और आपको 20 छुहारा 20 बादाम काजू से काम नहीं चलता तो इसकी मात्रा बढ़ाइए, दूध की भी मात्रा बढ़ाइए। और ऐसा क्रम दोस्तों आप 40 दिन तक रखें, 40 दिन तक इतना ही खाएं। अब जैसे 40 दिन पूरे होते हैं 41वें दिन आपको 1 रोटी खाना है, सिर्फ 41वें दिन 1 रोटी खाएंगे। और दोस्तों जो अपना ड्राई फ्रूट में सब रखते हैं तो 5-5 कम करेंगे, 41वें दिन 1 रोटी कम की, 41वें दिन 1 रोटी आपने खाई तो उसकी जगह 5 छुआरा, 5 बादाम, 5 काजू, 5 अखरोट और नारियल उतना ही कम करना है। दोस्तों 42वें दिन आपको 2 रोटी खाना है, 42वें दिन आपको 2 रोटी खाना है और उसी मात्रा में बादाम काजू कम करना है, मतलब
बादाम 10 कम करना है, काजू 10 कम करना है, अखरोट 10 कम करना है और छुआरा भी 10 कम करना है, वैसे हिसाब से नारियल। तीसरे दिन आपको 3 रोटी खाना है दोस्तों, तीसरे दिन आप 3 रोटी खाते हैं और उसी हिसाब से आप ड्राई फ्रूट को कम कर देते हैं। और चौथे दिन 44वें दिन आप पूरी रोटी खाएंगे और 44वें दिन के बाद ड्राई फ्रूट आप बंद कर देंगे। तो 40 दिन का ये योग है और ख़त्म करते करते 44 दिन हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो आपने काया पलट कार्यक्रम किया है या योग किया है, ये योग किया है, ये बहुत फायदेमंद है और इसके गुण इतने हैं कि मैं बताया कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक ऋषि मुनि और नेता लोग और बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े उद्योगपति करते रहे हैं और आज भी लोग करते हैं। अब दोस्तों इससे लाभ क्या होता है? शरीर के अंदरूनी हिस्से में या अंदरूनी पार्ट में इतना लाभ होता है जो आप खुद महसूस करेंगे। आपका दिमाग तेज होता है, दिमाग मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, आपका जो है किडनी और ये जितने शरीर के अंग हैं सब मजबूत होते हैं, खून बढ़ता है, नसें मजबूत होती हैं, खून का सर्कुलेशन तेज होता है। ये अंदरूनी फायदा है, आपको अंदर से एक शक्ति महसूस होने लगती है और वो युवा शक्ति महसूस होने लगती है और आपकी यौन क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन जो बाहर से दिखता है लाभ वो मैं बताता हूँ आपको। आप जब ये कायाकल्प प्रोग्राम करते हैं तो आपका जो चेहरा, आपका बॉडी स्किन, आप दिखने में युवा दिखते हैं, जवान दिखते हैं और जवानों जैसी शक्ति आपको आ जाती है। और दोस्तों आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम दिखते हैं। अगर आपने ये योगा 50 साल की उम्र में किया है तो आप योगा के बाद 45 या 40 के दिखेंगे। अगर आपने योगा 60 साल में किया है तो आप 55 के दिखेंगे। तो आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे और दोस्तों आपके शरीर का, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है, ओवरहॉलिंग हो जाती है। आप जब कभी घर बनाते हैं ना, छोटा मोटा खराबी आ गई है तो कलर करा देते हैं सुधार करके, तो घर बिल्कुल चमकने लगता है, नया जैसा दिखने लगता है। तो आपका जो शरीर है तो नया जैसा दिखेगा, जवान जैसा दिखेगा और इसका ये कारण है दोस्तों, जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार होती है। तो आप जो है 45 दिन तक, 40 44 दिन तक आप दूध पीते रहे, ड्राई फ्रूट खाते रहे तो आपकी स्किन जो अनाज खाने से मोटी हो गई है और भद्दी हो गई है वो धीरे धीरे निकल जाती है और 40-45 दिन के बाद आपके शरीर में वो स्किन आना शुरू हो जाती है जो दूध पीने से, ड्राई फ्रूट खाने से बनी है। तो आपकी स्किन चमकदार हो जाती है, मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो आप जवान दिखने लगते हैं और आपकी उम्र कम दिखने लगती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और दोस्तों आपको युवा अपने आप में महसूस होने लगता है कि युवा है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये काया कल्प प्रोग्राम से आपको बहुत लाभ है जो इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 40 दिन का प्रोग्राम है, साल में एक बार करिए और जवान बने रहिए। और जब आपके शरीर के हर अंग, शरीर की हर नस और खून का सर्कुलेशन और खून का बनना चालू रहेगा तो आपकी उम्र बढ़ेगी और जवान बने रहेंगे।
आदमी कब बुढ़ाता है, कब मरता है, जब उसके में खून बनना बंद हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, और जब खून बनना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे खाल लटक जाएगी, बीमार पड़ेगा और मरने के करीब आ जाता है, उम्र ख़त्म होने लगती है। लेकिन अगर आप ये योगा करेंगे तो आप में खून बढ़ेगा, खून बनना शुरू होगा और खून बनता रहेगा तो आप जवान दिखेंगे, युवा दिखेंगे और उम्र भी बढ़ेगी, देखने में आपकी उम्र कम लगेगी और आपको दुनिया अच्छी लगेगी और आपकी जो काम शक्ति भी बढ़ेगी, तमाम लाभ ही लाभ हैं। दोस्तों, साल में एक बार इस काया कल्प प्रोग्राम को आप करिए, काया कल्प भी कह सकते हैं, काया पलट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो साल में एक बार अपने लिए 40 दिन का समय निकालिए, और ये महंगा कार्यक्रम नहीं है, और 40 दिन का आप समय निकालिए, आप थोड़ा बहुत काम भी करते रहें। और दोस्तों, इसकी एक और सावधानी है। पहली सावधानी इसमें यह है कि जब ये कायाकल्प प्रोग्राम करते हैं तो ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, धूप में ना जाएं, मतलब धूप से बचें। और दोस्तों, दूसरा है कि खटाई अचार खाने से बचें। ये सावधानियां रखेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। दोस्तों, हमारे चैनल का, हरिनाम सिंह सयाना का उद्देश्य है कि हम भारतवासी स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जिएं, और यही हमारा उद्देश्य है, आप लोग कि आप लोग स्वस्थ रहें, चंगे रहें, भले रहें। हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, दोस्तों को दिखाएं और सब्सक्राइब करें, और ये कायाकल्प प्रोग्राम शुरू करें। नमस्कार।